वेलकम गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ क्विक लोन एप्लीकेशन की। तो गाइस आप लोग देख सकते हो 4.5 स्टार रेटिंग्स है और यहाँ पे 5K ही डाउनलोड हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे रिव्यूज़ देखें गाइस, आप लोग देख सकते हो 4.5 स्टार रिव्यूज़ है और यहाँ पे अगर 1 स्टार पे देखें तो कोई भी रिव्यूज़ नहीं है, 2 स्टार पे कोई भी रिव्यूज़ नहीं है। जितने भी रिव्यूज़ है सारी अच्छी रिव्यूज़ है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता गाइस कि ये एप्लीकेशन इतना अच्छा हो। इस एप्लीकेशन पर भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम ज़रूर आता है। तो प्रॉब्लम आप लोगों को कहाँ पे आएगा, क्या क्या इश्यूज़ आप लोगों को आ सकते हैं, कैसी टाइप की एप्लीकेशन है, क्या इसकी रियलिटी है, रियल है या फेक एप्लीकेशन है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊँगा। तो गाइस आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, नहीं तो बाद में आप लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम पे भी फंस सकते हो, क्योंकि भाई ये एप्लीकेशन रिस्की एप्लीकेशन है और आप लोगों से बहुत सारी परमिशंस वगैरह भी लेता है। अभी अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर देते हो तो ये एप्लीकेशन आपकी लोकेशन, पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, SMS, फोटोज़, वीडियोज़, कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये सारी चीज़ें एक्सेस कर लेंगे आपके मोबाइल पे और आपके मोबाइल से उठा के अपने सर्वर पे लेके भी जाएंगे। तो भाई आप लोग देख ही सकते हो कितना रिस्की एप्लीकेशन है। इस पर अगर आप लोगों को लोन लेना है, क्विक लोन से अगर आप लोग लोन लेना चाहते हो, तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले ही आपके मोबाइल पे जो भी आपके इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़, वीडियोज़, फाइल्स वगैरह है ना, फ़ोन नंबर्स वगैरह है ना, उसे डिलीट कर लेना। अभी एक चीज़ और बता दूँ गाइस, बहुत सारे बंदे मेरे को ये कमेंट करके पूछते रहते हैं कि भाई अच्छा लोन एप्लीकेशन के बारे में बता दो, बेस्ट लोन एप्लीकेशन कौन सी है उसके बारे में बता दो, हो सके तो डाउनलोड लिंक ही दे दो। तो गाइस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मैं जो भी बेस्ट लोन एप्लीकेशन है ना उसका डाउनलोड लिंक दे दूंगा। अभी गाइस देखो, ये जो क्विक लोन एप्लीकेशन है इसके बारे में यहाँ पे बहुत कुछ बताया गया है कि भाई 3000 से 40,000 तक आप लोगों को लोन दे देगा, 92 डेज से 365 डेज तक आप लोगों को रिपेमेंट पीरियड मिलेगा और यहाँ पे अप्लाई करना भी बहुत ही ईजी है। सर्विस फी ये लोग ले रहे हैं 3.5% से 6.4% के आसपास, लेकिन यहाँ पे गाइस जितने भी चीज़ें दिया हुआ है ना, ये सारी चीज़ें सही नहीं है। रियलिटी में गाइस इस एप्लीकेशन पे इतना लोन तो मिलता नहीं है। अभी गाइस देखो, नया एप्लीकेशन है, लोन मिलने का चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रियलिटी में इस एप्लीकेशन पे इतना लोन नहीं मिलता है। मैक्सिमम लोगों को इस एप्लीकेशन पे अप्लाई करने में ही इशूज़ आता है, बहुत ही कम लोगों को इस एप्लीकेशन पे लोन मिला है, लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट का लोन मिला है, जैसे कि 3000-4000 का लोन बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे 6-7 डेज के लिए मिला है। और अगर लोग यहाँ पे रिपेमेंट नहीं करते हैं तो इस एप्लीकेशन की जो भी लोन रिकवरी एजेंट्स है ना, वो लोग भी कॉल करके मैसेज करके बहुत ही ज़्यादा परेशानी लोगों को देता है। तो गाइस ओवरऑल रिस्की एप्लीकेशन है मेरे ख्याल से, तो गाइस बिल्कुल भी रिकमेंडेड एप्लीकेशन नहीं है आप लोगों के लिए। अभी आप लोग अगर अपने रिस्क पे अप्लाई करके देखना चाहते हो, आप लोग अप्लाई करके देख सकते हो। कोई भी NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन नहीं है गाइस, प्राइवेट एप्लीकेशन है, ठीक है। आप लोगों को लोन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करके देखो, लेकिन अगर नहीं मिलता है लोन तो डीमोटिवेटेड नहीं होना है, ठीक है। आप लोगों को जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी बेस्ट पर्सनल लोन एप्लीकेशंस की डाउनलोड लिंक दे दूंगा, आप लोग आसानी से अप्लाई करके ऑनलाइन पर्सनल लोन ले सकते हो। अभी गाइस ये जो क्विक लोन एप्लीकेशन है इसके बारे में आप लोगों को क्या लगता है, अगर आप लोगों की कोई एक्सपीरियंस है या तो आप लोगों को सिंपली क्या लगता है ये एप्लीकेशन कैसा है, रियल है या फेक है, इसके बारे में कॉमेंट पर ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, बाय बाय गाइस, लव यू।